नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास एंटरटेनमेंट शो बॉलीवुड गपशप में। और सबसे पहले बात हम करेंगे पुष्पा 2 की। पुष्पा 2 की शूटिंग पिछले साल अगस्त से शुरू हो चुकी है। अल्लू अर्जुन ने हाल ही में फिल्म का वाइजैक से जुड़ा शेड्यूल पूरा किया है। इसके बाद अब वो हैदराबाद में शूट कर रहे हैं। एक्टर भी अपने फैंस के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड भी हैं। इस बीच खबर अब ये आ रही है कि अल्लू अर्जुन को बॉलीवुड के एक्टर का साथ मिल चुका है। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि फिल्म में बॉलीवुड के बड़े सुपरस्टार की एंट्री हुई है। पुष्पा 2 का टीजर 8 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। इसी के चलते आपको बता दें कि फिल्म को लेकर एक और अपडेट सामने आया है। खबरों के मुताबिक इस फिल्म के दूसरे पार्ट की कहानी में अल्लू अर्जुन के साथ ही एक बॉलीवुड सुपरस्टार के भी होने की चर्चा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि पुष्पा 2 में किसी खान एक्टर या अजय देवगन की अदाकारी देखने को मिल सकती है। तो वहीं कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि फिल्म में सलमान खान का भी कैमियो हो सकता है। हालांकि इसे लेकर कोई फॉर्मल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया जा रहा है कि पुष्पा 2 में साई पल्लवी अहम रोल निभाती हुई नजर आएंगी। हालांकि इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है। मेकर्स अब इस फिल्म के टीजर को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं। खबरों के मुताबिक फिल्म पुष्पा 2 का टीजर 8 अप्रैल को रिलीज होने वाला है। 8 अप्रैल को अल्लू का आपको बता दें कि 41वां जन्मदिन है और ऐसे में अल्लू अर्जुन के जन्मदिन पर फिल्म का टीजर शेयर किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात तापसी पन्नू की करेंगे। तापसी पन्नू अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा विवादों के चलते सुर्खियों में रहती हैं। हाल ही में तापसी ने अपनी कुछ फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जिसमें वो एक गलती कर बैठी हैं। जी हाँ, जिसकी वजह से अब लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल हाल ही में हुए लैक्मे फैशन वीक में तापसी पन्नू ने बोल्ड नेकलाइन वाली रेड कलर की हॉट ड्रेस में रैम वॉक किया था। इस ड्रेस के साथ ही उन्होंने हैवी डिजाइनर नेक पीस पहना था, जिस पर मां लक्ष्मी की मूर्ति बनी थी। इस फोटो को शेयर करते हुए तापसी ने लिखा था कि लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। हालांकि इस फोटो को लेकर लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। तापसी पन्नू का बोल्ड ड्रेस के साथ मां लक्ष्मी की मूर्ति वाला नेकलेस पहनना लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और उन्होंने इसे हिंदू धर्म का अपमान बताते हुए तापसी की क्लास लगा दी। एक यूजर ने लिखा कि अश्लील फोटो में मां लक्ष्मी का अपमान है ये। एक और यूजर ने लिखा कि ऐसी वल्गर ड्रेस में मां लक्ष्मी का हार पहना हुआ है, तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? वहीं एक शख्स ने यह भी लिखा है कि बेशरम है ये लाल रंग, ऐसी हॉट बॉडी को नहीं छोड़ेगा ये। और एक और शख्स ने ये कहा कि इसे देखकर वो गाना याद आ गया कि छुपाना भी नहीं आता और दिखाना भी नहीं आता। बता दें कि इससे पहले भी तापसी पन्नू अपनी बोल्ड तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं। कुछ दिनों पहले ही तापसी पन्नू ने ब्लू कलर की साड़ी में फोटोशूट करवाया था। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए तापसी ने लिखा था कि पंडित जी कहते हैं, न चलन से न चाल से प्यार करने वालों को परखो उनके दिल के हाल से। हालांकि तापसी की इन तस्वीरों पर लोगों ने फायर और इसी के साथ ही हॉट इमोजी बनाकर उनकी तारीफ की थी। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात कपिल शर्मा की फिल्म स्विगाटो की करते हैं। बतौर एक्टर कपिल शर्मा की दूसरी फिल्म स्विगाटो बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांग रही है। आपको बता दें कि शुक्रवार 17 मार्च को रिलीज हुई इस फिल्म का कलेक्शन लगातार घटता जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार को तो फिल्म की कमाई महज 25 लाख रुपए तक ही सिमट कर रह गई। कपिल शर्मा की स्विगाटो की हालत इतनी खराब है कि 4 दिन में ही फिल्म ने दम तोड़ दिया है। स्विगाटो ने ओपनिंग डे यानी कि शुक्रवार 17 मार्च की बात करें तो 43 लाख, 18 मार्च को 62 लाख, 19 मार्च को आपको बता दें कि 59 लाख और इसी के साथ ही 20 मार्च को 25 लाख रुपए की कमाई की। इस तरह फिल्म का कुल कलेक्शन 4 दिनों में महज 2.09 करोड़ रुपए तक पहुंचा है। बता दें कि स्विगाटो कपिल शर्मा की तीसरी फिल्म है। उन्होंने इससे पहले किस किस को प्यार करूं और फिरंगी में काम किया था और ये दोनों ही फिल्में पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी। अब ऐसे में स्विगाटो कपिल के एक्टिंग करियर के लिए फिरंगी के बाद ये दूसरा बड़ा झटका है। दरअसल कपिल शर्मा कॉमेडियन के रूप में लोगों के दिलो दिमाग में इस कदर बस चुके हैं कि उन्हें सीरियस रोल में कोई भी व्यक्ति पचा नहीं पा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात बवाल फिल्म की करेंगे। वरुण धवन और जानवी कपूर स्टारर बवाल को लेकर कुछ समय से कहा जा रहा था कि इसे डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज किया जाएगा। ये छिछोरे जिसने बेस्ट हिंदी फीचर फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता के साथ सफल पारी दर्ज करा चुके फिल्म निर्माता साजिद नाडियाडवाला और इसी के साथ ही नितेश तिवारी का साथ में अगला प्रोजेक्ट है। इस फिल्म को लेकर दर्शकों के एक्साइटमेंट को लेकर को बरकरार रखते हुए अब मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, अब ये फिल्म आपको बता दें कि 6 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघरों पर रिलीज होगी।
इस फिल्म के साथ पुरस्कार विजेता निर्माता निर्देशक की जोड़ी फिर से साथ आई है, जिसमें वरुण धवन और जानवी कपूर की जोड़ी पहली बार एक दूसरे के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करेगी। बवाल का निर्माण आपको बता दें कि नाडियाडवाला ग्रैंडसन के बैनर तले साजिद नाडियाडवाला की तरफ से किया गया है, और इस तरह वरुण धवन और जानवी कपूर की जोड़ी को पहली बार एक साथ सुनहरे पर्दे पर देखा जा सकेगा। बता दें कि बवाल फिल्म को पहले अप्रैल में रिलीज किए जाने की तैयारी थी, लेकिन अब इसके रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। वरुण धवन और जानवी कपूर की इस फिल्म का बजट लगभग 60 करोड़ रुपए बताया जा रहा है। कुछ समय पहले फिल्म के डायरेक्ट ओटीटी रिलीज की खबरें आ रही थी, लेकिन अब इस तरह सभी तरह के कयासों पर विराम लग चुका है। और इसी के साथ ही हमारे इस खास एंटरटेनमेंट शो बॉलीवुड गपशप में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आप बन रहे हैं हमारे साथ, नमस्कार।